मंडलायुक्त के निर्देश पर प्रतिबंधित पॉलिथीन के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने महानगर के प्रमुख दुकानों पर छापेमारी करते हुए कुल 18,000 का जुर्माना वसूल किया। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने अभिहित अधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में इंदिरा बाल विहार स्थित कृष्णा बर्गर, हॉट एंड स्पाइसी, यूपी 53 रेस्टोरेंट, मेरा मन आइसक्रीम, सुप्रिया साउथ इंडियन एंड चाइनीज, रीटा आइसक्रीम सेंटर, आईडी चिकन तथा यादव कुल्फी समेत कुल 9 दुकानों से 8,000 तथा मंगलम टावर स्थित पिज्जा हंट रेस्टोरेंट से 10,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। पिज्जा हट में जब टीम से जांच की गई तो स्टोर रूम में प्रतिबंधित पॉलिथीन, थर्माकोल के गिलास, कप, प्लेट आदि सामान बड़ी मात्रा में बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया। जबकि रेस्टोरेंट के मैनेजर का कहना था कि उन्हें पॉलिथीन के प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभिहित अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया करते हैं जो फोल्डिंग के लिए, वो सब लोगों ने देखा कि फोटो वगैरह ले रहे हैं, जो उसमें पेप्सी देते हैं सर हम लोग, टम्बलर। हाँ, क्या हुआ, टूटे ना क्या? अभी पेप्सी देते हैं ना वाले ग्लास, अभी छोड़े नहीं सर, बोले हैं भाई। नहीं नहीं, अकेले सर, आप लोग 5 मिनट का टाइम दीजिए, जो भी है वीडियो तो बना लीजिएगा। हम कहीं बात कर रहे हैं, बात तो कर लेंगे हमको। हाँ, उसको मना नहीं, 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 बात कर लीजिए, सामने ही करवा, क्योंकि कंपनी की चीज़ हम लोग लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। कंपनी से मतलब फर्क से अधिकारी खड़े सामने, जो नौकर जो कंपनी भेज रही है वही यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। बाकी तो सारा चीज़ पेपर का ही, आप पेपर कैरी बैग, उसमें कोई भी ऐसा भी नहीं, कोई गर्म चीज़ देते हैं, कोल्डिंग दिया जाता है। तो समझ में नहीं आ रही है बात क्या है? सर जी बैन तो है, लेकिन हम कंपनी की चीज़ें हम क्या कर सकते हैं सर। सर गवर्नमेंट ऑफिस से पुलिस इंस्पेक्टर आए थे अभी, प्लास्टिक है ही। हेलो, तो सर वो ऊपर अपना प्लास्टिक का, सर मैं कह रहा हूँ कि अपना जो ये और श्रीमान कमिश्नर साहब का निर्देश भी है कि रेस्टोरेंट वगैरह में थर्मोकोल के कप प्लेट प्रयोग किए जा रहे हैं, प्लास्टिक उसको चेक किया जाए, टम्बलर्स वगैरह से। अधिसूचना नहीं, ये भी बैन है, 15 अगस्त इसको भी बंद किया गया है। निर्माता का नाम या रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं लिखा हुआ है, ये तो 15 अगस्त पहले बैन था ना प्लास्टिक, वो पहले से ही चला आ रहा है, ये नहीं कि 15 अगस्त से फिर चालू हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। 15 अगस्त के पहले प्लास्टिक पे बैन था, थर्माकोल 15 अगस्त से हुआ है। ये जो अभी आप मिला है यहाँ पे, ये 15 अगस्त से पहले बैन था, नहीं ये 15 अगस्त से बैन किया गया, टम्बलर्स ग्लासेस ये 15 अगस्त। उस समय सिर्फ बैग बैन थे, अभी ये टम्बलर्स कप वगैरह अभी हो गए, कप ग्लास चम्मच जो भी वन टाइम यूज करके फेंक देना है वो सारे 15 अगस्त। तो सर और पॉपुलरिटी बढ़ेगा जितने लोग आ जाए, नाम नहीं जाना हो जाएगा।
अरे आपके प्रोडक्ट में नहीं है प्रॉब्लम, ये अलग है। यहाँ चेक किया गया खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम के द्वारा, उसमें ये पिज्जा हट में ये सब जो बैन हैं थर्मोकोल, पहले तो 15 अगस्त से पहले तक प्लास्टिक वगैरह बैन था 50 माइक्रोन से नीचे, और 50 माइक्रोन से ऊपर बिना निर्माता के नाम और उसके रजिस्ट्रेशन के 50 माइक्रोन से ऊपर का भी पॉलिथीन बैन था, और 15 अगस्त से थर्मोकोल के भी कप प्लेट पर बैन हो चुका है। तो उसी में कुछ सामग्री प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के मिले हैं। कार में 10-12 इंस्पेक्शन किए गए, कुल 8 जगह थोड़े थोड़े प्लास्टिक और थर्मोकोल के मिले, कुल 8,000 फाइन वहाँ हुआ है। और यहाँ पिज्जा हट पे आने पर अभी ये बरामद हुआ है, इसमें भी जो भी अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई होगी वो की।